साथियों, मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सुरक्षा और विकास दोनों की गारंटी दी है। जो समस्याएं कांग्रेस विरासत में छोड़कर गई थी, हमने उनके समाधान दिए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किसानों को संकट में धकेला, सूखे का संकट गहराता गया, कांग्रेस अपनी लूट में व्यस्त रही। हमने वर्षों से लटके प्रोजेक्ट को पूरा करके किसानों की चिंता की। यहां नीलवंडे डैम का काम 1970 में शुरू हुआ था और उस समय डैम की लागत 8 करोड़ थी, आज वो बढ़कर के 5000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये पाप इन्होंने किया है और ये पैसा आपका है। डैम के नाम पर कांग्रेस नेताओं की जेबें भरती रही, लेकिन किसानों के खेत सूखे रह गए। 2017 में देवेंद्र फडणवीस जी ने इसे गति दी, लेप कनाल का काम पूरा हो गया है, जल्द ही ये योजना भी पूरी कर ली जाएगी। इससे अहल्यानगर और नासिक में सैकड़ों गांवों को पानी मिलेगा, हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। साथियों, बीजेपी एनडीए के लिए किसान कल्याण सर्वोपरि है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमारी सरकार में गन्ना किसानों को पहले से ज्यादा पैसे मिले हैं, आयकर के इनकम टैक्स वालों के 10000 करोड़ रुपए माफ करने से लाखों किसान परिवारों को लाभ हुआ है। महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 30000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे खाते में भेजे हैं।